जैसा कि ये विदित है कि देश में लोकसभा में चुनाव होने का समय अब बहुत नज़दीक आ गया है, जिसके चलते सत्ताधारी गठबंधन व विपक्षी गठबंधन की अर्थात एनडीए व परिवर्तित किए गए यूपीए की बैठकों का भी काफ़ी दौर चल रहा है। हालांकि इस मामले में हमारी पार्टी भी कोई पीछे नहीं है, बल्कि इन चुनावों की तैयारी को लेकर पिछले कुछ समय से पूरे देश में पार्टी की छोटी छोटी बैठकें व बंद जगह पर कैडर कैंप आदि लेने का भी कार्य काफ़ी युद्ध स्तर पर चल रहा है। और इतना ही नहीं, बल्कि अब एक तरफ सत्ता पक्ष का एनडीए अपनी फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए अपनी दलीलें दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन यहाँ सत्ताधारी एनडीए गठबंधन को इस बार चुनाव में मात देने के लिए काफ़ी विरोध कर रहा है, जिसमें बीएसपी भी कोई पीछे नहीं है। जबकि सत्ताधारी पार्टी व विपक्षी पार्टियों के बने गठबंधन के बारे में सच्चाई तो ये है कि यहाँ वर्तमान में विपक्षी गठबंधन के प्रमुख दल कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी के बाद शुरू में केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी अपने लंबे अरसे तक रहे शासनकाल के दौरान अपनी हीन व जातिवादी एवं पूंजीवादी मानसिकता को त्याग कर यदि देश व आम जनहित में तथा कमजोर वर्गों के हितों में भी पूरी ईमानदारी से कार्य किया होता और विशेषकर कमजोर वर्गों के हित व कल्याण के मामले में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सलाह को भी मान लिया होता, तो फिर ना तो बाबा साहब को अपने कानूनी मंत्री पद से उस समय इस्तीफा देना पड़ता तथा ना ही आगे चलकर कांग्रेस पार्टी को केंद्र व अधिकांश राज्यों की भी सत्ता से बाहर होना पड़ता तथा ना ही फिर कमजोर वर्गों के लोगों को मजबूरी में बीएसपी के नाम पर अपनी अलग से राजनीतिक पार्टी बनाने की जरूरत पड़ती। और अब ये कांग्रेस पार्टी अपनी जैसी जातिवादी व पूंजीवादी सोच रखने वाली पार्टियों के साथ गठबंधन करके फिर से केंद्र की सत्ता में आने के सपने देख रही है, तो वहीं सत्ताधारी बीजेपी पार्टी भी पुनः केंद्र की सत्ता में आने के लिए अपने एनडीए गठबंधन को हर मामले में मजबूत बनाने में लगी है, साथ ही फिर से सत्ता में आने का दावा भी ठोक रही है। ये कह रही है कि इस बार बीजेपी और उनका गठबंधन 300 से ज़्यादा सीटें लाएगा, इसका भी दावा ठोक रही है, जिनकी कथनी व करनी में कांग्रेस पार्टी की तरह ही कोई खास अंतर नज़र नहीं आता है। कहने का तात्पर्य ये है कि अब ये दोनों बने गठबंधन यानी कि एनडीए व परिवर्तित किए गए यूपीए केंद्र की सत्ता में आने के लिए अपने अपने दावे ठोक रहे हैं, जबकि जनता को किए गए इनके वायदे व आश्वासन आदि सत्ता में बने रहने के दौरान अधिकांश खोखले ही साबित हुए हैं। वैसे भी कांग्रेस व बीजेपी एंड कंपनी के बने गठबंधन की अब तक रही सरकार की कार्यशैली यही बताती है कि इनकी नीति नियत व सोच सर्व समाज में से विशेषकर गरीबों दलितों आदिवासियों पिछड़े वर्गों मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति लगभग एक जैसी ही रही है, क्योंकि इन्होंने सत्ता में रहकर शुरू से इन वर्गों के मामले में
अधिकांश कागजी खाना पूर्ति ही की है तथा जमीनी हकीकत में इनके लिए कोई ठोस कार्य नहीं किए हैं, लेकिन जब ये लोग सत्ता से बाहर हो जाते हैं तो तब फिर वे अपने वोट की खातिर इनके हितों में काफ़ी लंबी चौड़ी बातें करते हैं। जैसे कांग्रेस पार्टी का गरीबी हटाओ का, वह बीजेपी का हर गरीब के खाते में 20 लाख रुपए पहुंचाने को लेकर कही गई ये बातें सत्ता में आने के बाद केवल हवा हवाई व खोखली ही साबित होकर रह गई हैं, जिसकी खास वजह से ही बीएसपी ने सत्ताधारी गठबंधन व विपक्षी गठबंधन से ज़्यादातर अपनी दूरी ही बना के रखी है। ऐसी स्थिति में अब इन वर्गों के लोगों को, यानी कि कमजोर वर्गों के लोगों को, आपसी भाईचारे के आधार पर वे अपना अकेले ही मजबूत गठबंधन बना के या हर मामले में अपनी एकमात्र हितेशी रही पार्टी बीएसपी को ही मजबूती देनी है, तथा जिससे फिर यहाँ कोई भी गठबंधन केंद्र व राज्यों के बीच सत्ता में पूरी मजबूती के साथ आसीन ना हो सके तथा इसके स्थान पर फिर इनकी मजबूत नहीं बल्कि मजबूर सरकार ही बनेगी। हमारी पार्टी का ये पूरा पूरा प्रयास होना चाहिए ताकि बीएसपी के सत्ता में ना आने की स्थिति में भी इन कमजोर वर्गों का, यानी कि दबे कुचले लोगों का ये लोग ज़्यादा शोषण ना कर सके। इतना ही नहीं बल्कि ऐसी स्थिति में बीएसपी को भी सत्ता में आसीन होने का मौका मिल सकता है, और जब तक हम लोग अकेले अपने बलबूते पर खड़े नहीं हो पाते हैं, इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखकर अब बीएसपी को लोकसभा आम चुनाव में व इससे पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व तेलंगाना आदि राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी अकेले ही चुनाव लड़कर अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट लाना होगा। लेकिन बीएसपी पंजाब, हरियाणा आदि इन राज्यों में वहाँ की रीजनल पार्टियों के साथ मिलकर जरूर चुनाव लड़ सकती है, बशर्ते अब वर्तमान में उनका एनडीए व परिवर्तित किए गए यूपीए से भी कोई संबंध नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही पार्टी के लोगों को हर स्तर पर सत्ताधारी गठबंधन व विपक्षी गठबंधन के सभी साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से भी जरूर सावधान रहना है। इसके अलावा यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि देश में लगातार बढ़ रही कमर तोड़ महंगाई, अति गरीबी व बेरोजगारी आदि की इन गंभीर समस्याओं के प्रति केंद्र के उत्तरदायित्व को लेकर कल से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में जवाबदेही का लोगों को काफ़ी बेसब्री से इंतजार है, किंतु मणिपुर में जारी चिंतनीय हालात हिंसा व सुरक्षा ही अब नया मुद्दा बन गया है, किंतु इन समस्याओं के प्रति भाजपा का रवैया अब तक व्यापक, जनहित का कम तथा अपने राजनीतिक स्वार्थ का ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जिस कारण देश से जुड़े इन मामलों का जटिल बने रहना अति दुखद है, जबकि देश की प्रगति लोगों की उन्नति में ही निहित है, जिस पर पूरा ध्यान केंद्रित करने की भी सख्त ज़रूरत है। और अब लोकसभा चुनाव से पहले संसद में सरकार व विपक्ष का रवैया तकरार, आरोप प्रत्यारोप व जिम्मेदारी से भागने का नहीं बल्कि इन ज्वलंत जन समस्याओं को दूर करने संबंधी समाधान का होना चाहिए, क्योंकि इस समय समस्त गरीब एवं मेहनत कर जनता का जीवन काफ़ी दुखी व त्रस्त है, जिनकी सही से चिंता करना सभी का दायित्व भी बनता है। अंत में अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जय भीम व जय भारत।